हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश प्रसाद बड़ोनी, प्रवक्ता फिजिक्स। जैसे कि आपको विदित है कि हम पिछले कई दिनों से फिजिक्स से हमने अब तक जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, डायपोल मोमेंट और डायपोल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा आदि विभिन्न जो हमारे संबोध हैं उनके हमने डेरिवेशन किए और डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट की लर्निंग की। अब हम इन्हीं संबोधों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे जिसमें हमें बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी तैयार रहिए और अपने पास में एक पेन और एक रजिस्टर या नोटबुक रखिए और देखिए कि किस तरह से जो है प्रश्नों को पूछा जाता है और उनके हल हम किस तरह से निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना आना चाहिए क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर जो है हम गलती करते हैं और क्यों हमारे आंकिक प्रश्नों में हम असहज महसूस करते हैं। तो आगे बढ़ें और आओ आज सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को।